नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द डे 12 ऑफ माय फेस पैक सीरीज। आज का जो फेस पैक मैंने तैयार किया है उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही हेल्दी हैं, स्पेशली फॉर स्किन केयर। इसका जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है बीटरूट, जो आजकल बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। बीटरूट में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें पोटेशियम होता है, इसमें स्किन ब्राइटनिंग की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये डी टैनिंग में हेल्प करता है और स्किन को बनाता है एकदम स्मूथ। और अगर इसका हम रेगुलरली यूज़ करते हैं तो ये हमारे स्किन में एक पिंकिश ग्लो देता है। अभी इस फेस पैक को लगाए हुए मुझे अराउंड 2 आवर्स हो चुके हैं और अब जाके सेट हो चुका है फेस में और अभी कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया हुआ है एंड आई कैन फील दैट इट हैज़ गिवन मी अ पिंकिश ग्लो। सो आई एम काइंड ऑफ सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स ऑफ दिस फेस पैक। आज के फेस पैक में मैंने जो बाकी इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करे हैं जैसे कुक्ड राइस के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। कोरियन ब्यूटी केयर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एलोवेरा के और लेमन के बेनिफिट्स भी हम जानते हैं। तो एक बहुत ही पावर पैक काइंड ऑफ फेस पैक है जो मुझे लगाने में भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसको जब मैं अप्लाई कर रही थी और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो इसको रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत नियर फ्यूचर में जैसे आज या कल में कोई पार्टी या फंक्शन अटेंड करना है उस वक्त ना यूज़ करके हमें इसे अपने रेगुलर यूज़ में लाना चाहिए सो दैट ये धीरे धीरे हमारे स्किन में एक नेचुरल पिंकिश ग्लो ला सके। और हाँ, लिप केयर में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको लिप्स में भी लगाना चाहिए अपार्ट फ्रॉम फेस एंड हैंड्स और फीट। सो चलिए देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन और इसका एप्लीकेशन एंड इसके रिजल्ट्स। इंग्रेडिएंट्स: फ्रेश एलोवेरा, बीटरूट, लेमन एंड थोड़ा सा कुक्ड राइस। तो ये बीटरूट को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, जेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है और ये लेमन को भी कट कर लिया है। इसमें से रिक्वायरमेंट कम है तो मैं इतना अलग कर दे रही हूँ। और ये अब इन सबको मैं एक जार में डाल के ग्राइंडर में हम इसको ग्राइंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह का पेस्ट मिल गया है हमको आफ्टर ब्लेंडिंग ऑल दी 4 इंग्रेडिएंट्स। अब कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन। तो कर लेते हैं अब इस फेस पैक का एप्लीकेशन। कलरफुल लग रहा तो इस तरह का एक पिंकिश ग्लो वाला ये फेस पैक था और इसको मैंने पहले वार्म वाटर से क्लीन किया था। 20 मिनट्स रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। तो पहले वार्म वाटर से वॉश कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद अच्छे से उसको रिंस कर लेंगे। तो दिस वाज टुडेज़ फेस पैक।
थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो और आज का फेस पैक भी पसंद आया होगा। और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।